जद्दोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। आपका इसमें क्या नाम है? जुबैरी। जुबैरी साहब, आप यहाँ के? मैं इस टाइम का जाट पार्टी ने बनाया पार्टी ने जाट बनाया इस टाइम को। अच्छा, इस मरतबा जो पीपल्स पार्टी कराची में काम कर रही है, बसेस देख लें आप, ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो रहा है, पानी का मसला भी हो जाएगा, तो ये जो कैंप लगाए हुए हैं ये किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हमारी पार्टी वो पार्टी है जो खाली इलेक्शन में वोट डालने नहीं जाती। जब आवाम को मुश्किल होती है, आप देखते हैं शराब आता है, जलजला आता है, पीपल्स पार्टी के कारकुन पूरे सिंध से लेके कश्मीर से लेके कश्मीर तक मौजूद होते हैं कि नहीं। अभी गर्मी है तो हम पानी पिला रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की रेड बस, पिंक बस, ऑरेंज बस, ये सब काम कर रहे हैं वोट के लिए नहीं। इस शहर से हमें वोट नहीं मिले, दूसरी जमातों को मिले, लेकिन हमारा काम खिदमत है। वो लिखा है बीबी का कि आवाम की खिदमत हमारा मंशूर है, तो हम वो कर रहे हैं। बाकी आप पार्कों में जाके देखें, खासकर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जहाँ से हमें एक MNA MP एक नाजिम तक नहीं मिला। आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पार्क जाके देखें, अरबों रुपए खर्च किए, उधर की रोड देखें, यहाँ की रोड देखें पैसे। लेकिन ऑफकोर्स और बहुत काम होना बाकी है, बेहतरी होना बाकी है जो कर रहे हैं फंड की कमी की वजह से। लेकिन पीपल्स पार्टी समझ लें कि इस वक्त कराची को प्रायोरिटी के तौर पर बिल्कुल पीपल्स पार्टी जो है वो गरीबों की जमात कही जाती है। और भुट्टो साहब ने जो ख्वाब देखा था उसकी मुझे अभी बड़ा एक अच्छा लग रहा है। मैंने खुद शरबत पिया यहाँ के गर्मी में, बड़ा अच्छा लगा। तो मैं कल जब गुजर रहा था मैंने कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त एक ऐसा मतलब चीज़ है कि इसको हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। तो बड़ा शुक्रिया आपका जुबैरी साहब, और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपके और साथियों से भी बात करते हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, आपको कैसा लग रहा है शरबत बांटते हुए गर्मी में? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरीके से बांट रहे हैं हम लोग, भाइयों की किस्मत कर रहे हैं, पाकिस्तानी आवाम की किस्मत कर रही है, हमारा काम बहुत हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कराची में जो बहुत काम पीपल्स पार्टी कर रही है, तो उसमें तो ये तो आपने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। तो पीपल्स पार्टी वालों का तो फर्ज है ना आवाम की किस्मत कर दिया, आवाम को सही करना जरूरी नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले होटल में आवाम की किस्मत नहीं, वोट भी मिलेंगे जब काम होगा, तो वोट जाहिर लोग आपकी तरफ आएंगे। पिला रहे हैं हम लोग, टैंक पिला रहे हैं जब इसी तरह खिदमत करेंगे, ताकि आप लोग पसीना नहीं तो पिलाया। ये जो जूस पिलाने का जो गर्मी में शुरू करा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसमें क्या आपका? ये माशाल्लाह जो है सही किया है, स्टॉक बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हर बंदा परेशान है गर्मी की वजह से। अब ठेले वालों के पास जाएं तो ठेले वाले जो है ना 50 रुपए का एक शरबत एक गिलास देते हैं। ये अल्लाह के हुक्म से जो है ना ये दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आखिरत में अल्लाह पाक इसका अजर देंगे। अच्छा, ये बताइए अभी पीपल्स पार्टी जो काम कर रही है, बसेस देख रहे हैं आप, बड़ा काम कराची में हो रहा है ना, तो ये इस सिलसिले में आप क्या और क्या कुछ कहना चाहते हैं पीपल्स पार्टी के लिए? बस काम तो ये कर रहे हैं, बस अल्लाह पाक जो है ना अल्लाह ताला जिस तरह काम करे तो कराची में बड़ी काम करे, इसलिए कराची के लिए हमारे लिए सब अच्छा हो, बेहतर हो। बहुत शुक्रिया जनाब, आपको कैसा लग रहा है शरबत बांटते हुए गर्मी में? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरीके से बांट रहे हैं हम लोग, भाइयों की किस्मत कर रहे हैं, पाकिस्तानी आवाम की किस्मत कर रही है, काम बहुत हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कराची में जो बहुत काम पीपल्स पार्टी कर रही है, तो उसमें तो ये तो आपने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। तो पीपल्स पार्टी वालों का तो फर्ज है ना आवाम की किस्मत कर दिया, आवाम को सही करना जरूरी नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले होटल में आवाम की किस्मत नहीं, वोट भी मिलेंगे जब काम होगा, तो वोट जाहिर लोग आपकी तरफ आएंगे। पिला रहे हैं हम लोग, टैंक पिला रहे हैं जब इसी तरह खिदमत करेंगे, ताकि आप लोग पसीना नहीं तो पिलाया। हमारे दरमियान एक ऐसा साहब मौजूद है जो बाजार तो उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है, और लेकिन वो अप्रिशिएट करना चाहते हैं कुछ अल्फाज। जनाब, आपका क्या इसमें ग्राम है? मैं किसके अप्रिशिएट करूँ? आप ये ना, आपने जो हीट स्ट्रोक जो है सही है, ताबे रही है, तो ये शरबत पिला रहे हैं गर्मी में और इतना कैंप लगाया हुआ है, मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट निकलेगा इसका? मतलब लोगों में एक अच्छा जज्बा जाएगा, अच्छा जज्बा जाएगा, जरूर जाएगा ना, कोई भी जमात हो, कोई भी जमात। तो ये भुट्टो साहब की जो एक जमात है और उसका जो लेवल है, यानी गरीबों,
खिदमत करना है तो ये बड़ा अच्छा रहेगा आपके साथ। बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका।